भाई और राम राम। मैं हरियाणा से बोल रही, पीछे कर थोड़ी सी, यमुनानगर जिले से बोल रही मैं, हरियाणा से। मेरी बात पर सब भाई गौर दियो। हरियाणा में पंचायती चुनाव किसी हाल में नहीं होते 24 तक, चौटाला भी और खट्टर भी दोनों मिलकर खूब माल खा रहे। यह बात धीरे 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 सबको पता लग जाना चाहिए। लग तो रहा लेकिन कोई भी आगे आने की कोशिश नहीं कर रहा है। पहले तो कह रहे थे सितंबर में होंगे, सितंबर में सहज सहज एक तारीख टाड़ कर फिर अक्टूबर में कहने लगे। इब अक्टूबर में भी नहीं, सीधा 30 नवंबर पर जाकर टेक दी। कोई पूछने वाला हो इनसे सवाल, ये पूछो कि क्या तो तुमने सितंबर में करा और क्या तुम अक्टूबर में करने लग रहे और क्या तुम नवंबर में करोगे जो 30 नवंबर का रखा हिसाब तुमने। जब तो यूँ कह रहे थे कि भाई कोर्ट में फैसला हो जाओ हम तुरंत करवा देंगे। अब फैसला भी हो गया, 4-5 महीने है गया। निगाह चुनाव करवाने थे इन्हें, निगाह चुनाव इन्होंने करवा दिए। उसमें ना कोई आरक्षण हुआ ना कोई सिंपल पर कहा इन्होंने भाई सिंपल पर लड़ना है किस तरह लड़ रहा है। जब तुमने सिंपल पर लड़ना था कहीं आरक्षण करना था तो 2 साल तक क्या करा कोई जवाब लेने वाला हो, और 2 साल का पैसा जाए कहाँ रहा इसका सरपंची का। ये धीरे धीरे इतनी बड़ी कुर्सी में नहीं क्या छके ये, अब यह छोटी सी गांव की चौधर छीन के और गांव वालों को गुलाम बनावेंगे अपने। जिक्रियाँ कहेंगे उक्कर गांव वालों को करवाना चाह रही है, पर अभी तो थोड़ी ही बात है, आगे फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी। पूरे के पूरे हरियाणा वाले इस बात का जवाब लो, इस पर से पूरा का पूरा हरियाणा एक हो जाओ। ऐसी बात नहीं है खट्टर में ही ताकत है या कुर्सी इसके बाप की दादा की जागीर नहीं है, या भी जनता की ही दी हुई है और जनता को ही कर तंग कर रहे। क्या ऐसे राजा की इज्जत करी जाएगी जब राजा इतनी जनता को तड़फा रहे, इतने कैंडिडेटों का पैसा लग लिया तड़फ रहे। क्या इसकी इज्जत करेंगे, क्या कहेंगे इसे, क्या कहकर पुकारेंगे इसे हम। अब तो यह है कि इसकी छत्ती पर चढ़ो वहाँ जाकर और इसे पूछो, चौटाला को भी और इसे भी पूछो, नो कोई इनको बताओ क्यों कर रहे हैं, क्या क्या कारण है, क्यों लेट कराया जा रहा है, आयो किस वजह से कराया जा रहा है, कोई कारण तो होना चाहिए। रहे दिवाली के के लोगों के जाड़े जाड़ा का ये अपने आप नहीं कर सकते लोग दिवाली का, उस चीज़ की फिक्र अपने आप है और जो काम करने का वो तो है नहीं। से दिवाली का फिक्र हुआ बड़ा, दिवाली का नहीं से अपने जेब का फिक्र हो रहा। अब जितने यहाँ सरपंची चुनाव हुए गए इसके जेब में तो नहीं होने के, आरटी लगा दो इस पर बस, कोर्ट में तो बढ़ना ही है, हो तो रहे ही नहीं, इस पर आरटी लगाओ, 2 साल का पैसे का पता करो इसे कहाँ जा रहा। बस मेरी इस बात पर ध्यान दे।